गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रभाकर तिवारी, डायरेक्टर जीसेल कोचिंग। आज हम लोग प्रपोजिशन के पार्ट फोर में इन के बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ एंड। इन के बारे में एग्जाम में कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, इन सब जगहों पे इनके यूसेज आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में इनके ज़्यादा यूसेज आते हैं, ओके। और पहले हम ये जानें कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जब हमको मालूम रहेगा तो हम आसानी से किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं या किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। रूल फर्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बात करेंगे टाइम के बारे में, हमने इससे पहले ऐड के बारे में बताया था, फिक्स टर्म के लिए आपका ऐड का यूज करते हैं, लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे वहां पे इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो वो सुबह क्रिकेट खेल रहा था। अब इन क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, वो निश्चित नहीं मॉर्निंग में कब से कब तक खेल रहा था, तो वहाँ पे जब समय निश्चित ना हो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हो वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। रूल सेकेंड, सेंचुरीज के लिए, अगर हम शताब्दी की बात करेंगे कि देयर वॉज अ किंग इन 19th सेंचुरी, देयर वॉज किंग इन 7th सेंचुरी, तो सेंचुरीज के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। देयर वॉज अ किंग इन 19th सेंचुरी। इसके बाद अब कुछ और यूसेज पे चलते हैं इनके। रूल थर्ड, प्लेस के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए अलग अलग सिस्टम में यूज करते हैं, उन चीजों को आपको हम बता देते हैं। जैसे जब हम किसी पर्टिकुलर सिटी, टाउन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तब वहां पे सीधे इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन लखनऊ, पहला ये समझ लीजिए, पहला प्लेस के लिए किस संदर्भ में करेंगे, जब हम वहां पे सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री की बात करेंगे तब वहां पे प्लेस के लिए इनका प्रयोग करें। दूसरा, दैट इज रूल फोर, फिक्स्ड प्लेस, जब प्लेस फिक्स्ड हो तब वहां पे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग इन द क्लास, या He is in the class भी आप कर सकते हैं, He is in the class। रूल फिफ्थ, ध्यान से समझते ही, पहला रूल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, आप जैसे प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन सब चीजों के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा, सेंचुरीज के लिए 19th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, उन सब के साथ इनका प्रयोग करेंगे। फिर प्लेस, प्लेस किस कंडीशन में, जब प्लेस के नाम के बारे में जानते रहो, कौन सा टाउन है, कौन सा शहर है, सॉरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है, तब वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्लेस के लिए,
जब प्लेस फिक्स्ड हो, जैसे क्लास है तो क्लास फिक्स्ड है, तो वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं, ही इज इन द क्लास। ओके नेक्स्ट रूल फिट, टाइम, सेंचुरी, प्लेस, फिक्स्ड प्लेस। अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं स्टेट की, अवस्था की, तो अवस्था के साथ में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है, ही वॉज इन ब्लैक ड्रेस का अर्थ होता है कि वह काले कपड़े शोक सूचक पहने हुए थे। ओके, उसने शोक सूचक काले कपड़े पहने थे, उसकी स्टेट को बता रहा है। रूल सिक्स, अगर हम बात करते हैं कंडीशन की, कंडीशंस को दिखाने के लिए हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, जैसे शी वॉज इन टीयर्स, वह आंसुओं से तर बतर थी, तो उसकी कंडीशन बताने के लिए किस कंडीशन में थी, वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। रूल सेवन, पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरी, प्लेस, फिक्स प्लेस, स्टेट, कंडीशन। कंडीशन के बाद हम इनका प्रयोग फ्रेजेस में करते हैं, जैसे इन हॉट वाटर, इन द रेन, इन डूम्स डेज, इस तरह से जो भी फ्रेजेस बनते हैं उनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। रूल एट, पहला फिर से रिपीट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरी, प्लेस, फिक्स्ड प्लेस, स्टेट, कंडीशन, फ्रेजेस। ध्यान से समझिए, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा आप लगातार कमेंट्स करते रहिएगा। जैसे हम महीनों के नाम के बारे में बात करेंगे, महीने के बारे में दर्शाएंगे, तो मंथ्स के नेम के पहले, जैसे ही वेंट टू दिल्ली इन जुलाई, तो दिल्ली में जिस महीने में गया वो क्या हुआ, इन जुलाई, किस महीने में गया, जुलाई के महीने में गया।